जब भी कंटेंट की बात आती है, मेरी सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है कि मैं कितना एंजॉय करूंगा उस कंटेंट को। आई स्टार्ट फ्रॉम माई सेल्फ, क्योंकि आई ऑलवेज बिलीव कि डजेंट मैटर ट्रेंड में क्या चल रहा है, बाहर कौन से स्ट्रीमर क्या खेल रहे हैं, अगर मैं उस कंटेंट को एंजॉय नहीं करूंगा, 100% मेरी ऑडियंस उसको नहीं कनेक्ट कर पाएगी। क्योंकि देखो, एंटरटेन करना भी एक स्किल है, ठीक है? इट्स नॉट लाइक कि हर एक बंदा एक अपनी पर्सनैलिटी लेके आता है। तो आपको पहले सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करना है कि आप किस में अच्छे हो, व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट आप बढ़िया तरीके से रिप्रेजेंट कर पाओगे, और उसके लिए आपको वो पसंद आना चाहिए। अगर आप गेम को एंजॉय नहीं करोगे, बट फॉर द सेक की ई स्पोर्ट्स प्लेयर अगर ग्रो कर रहे हैं स्ट्रीमिंग या गेमिंग सीन में, तो मैं भी जो है वो जबरदस्ती ई स्पोर्ट्स करूंगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है? हर एक गेम के अपने स्किल्स होते हैं, हर एक जॉनरा के अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम अभी एक टाइम पे पता है हमें पूछा करते थे रिलेटिव्स की, यार बेटे की 12th हो गई है, अब उसको कौन से स्ट्रीम में डाले, क्या आजकल ट्रेंडिंग में है। एक टाइम में जो आईटी ट्रेंडिंग में हुआ करता था, तो मैकेनिकल वाले भी आईटी में जा रहे थे, जिनको कॉमर्स अच्छा था, मैथमेटिक्स अच्छी था, उनको भी आईटी में डाला जा रहा था। आज के डेट पे मुझे कोई पूछता है तो मैं बोलता हूँ कि उस बच्चे को क्या पसंद है वो पूछो, इफ यू गुड इन दैट जॉनरा ही विल गोना सक्सीड, डजंट मैटर कि वो ट्रेंडिंग में है या नहीं है। सो यू हैव टू बी बेस्ट इन वॉट एवर यू आर डूइंग। तो मैं यही कहूंगा कि पहले आप देखो कि ये गेम आप कितना एंजॉय करोगे, अगर आप एंजॉय करोगे ना, आज नहीं तो कल वो गेम ट्रेंडिंग है या नहीं है, आपको उसकी ऑडियंस मिलेगी। बिकॉज इंडिया का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि इंडिया की ऑडियंस, फॉरेन कंटेंट क्रिएटर्स, यार इंडियन कंटेंट, इंडियन इंडियन मतलब फूड हो गया या फिर म्यूजिक हो गया या फिर बॉलीवुड हो गया, उस पर कॉन्टेंट बना रहे, हमारे लिए तो सबसे बड़ा एडवांटेज वही है कि हमारी ऑडियंस है। तो बस आप उसको एंजॉय करो, ऑडियंस विल गोना फॉलो यू सूनर और लेटर।